رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हमारा आज का मौजू है खवातीन की किरदार साजी सीरत तैयबा की रोशनी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दो इशारे आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूं। वो जान हयाते कौनो मकान, वो रूह नजाते इंसानी, वो जिसकी बुलंदी के आगे अफलाक हुए पानी पानी, उनसे ही मुझे निस्बत है मगर कब उनकी हकीकत पहचानी। अरब के मायानास स्कॉलर है डॉक्टर अरीफी, वो अपने एक विजिट के बारे में अपनी एक किताब में लिखते हैं जिसका उर्दू तर्जमा शाया हो चुका पयामे सीरत के नाम से। उनकी किताबों की खासियत है कि उनका पहला एडिशन 1 मिलियन होता है और उनके एडिशंस बहुत तेजी से दुनिया में छपते चले जाते हैं और लोग उनसे फायदा उठाते हैं। सादा लिखते हैं और उनकी बात दिल की गहराई को छू लेती है। वो कहते हैं कि मुझे सऊदी के स्कूल्स में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने बच्चों से पूछा, ये बताइए कि अज़वाज मुतहरात का नाम लेके आप इन खवातीन को जानते हैं? तो उन्होंने कंधे उचकाए। कहते मैंने चाहा कि मैं उनके सामने उनकी पसंद का मौजू छेड़ूं, तो मैंने फुटबॉलर्स के नाम लेने शुरू किए, तो उसके बाद मुझे कुछ बयान करने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए उनका अपना इल्म काफी था क्योंकि वो हर फुटबॉलर के बारे में, उनकी सीरीज के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में खुद ब खुद बात करने लगे। कहते मुझे सूरह मोमिनून की ये आयत याद आई, अमलम यारिफू रसूलहुम, क्या वो अपने रसूल को जानते नहीं है या वो उनका इनकार करने वाले। मैंने ये मुख्तसर सी बातचीत इसलिए सामने रखी है कि हमें भी अपने नबी के बारे में सोचना है, उनकी हयात तालीमात के बारे में हम किस कदर जानते हैं, कब कब जिंदगी में वक्त निकाला अपने उस नबी के लिए जिस पर हमारा ईमान है। कभी जिंदगी की ऐसी रात नसीब हुई जिसमें आपकी वालिदा ने आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनकी सीरत का कोई वाकया सुनाया हो, या कभी आपने खुद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को स्टडी करना अपनी जरूरत समझा, या आपकी जिंदगी में कोई वक्त ऐसा आया हो जहां आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानना अपने लिए जरूरी ख्याल किया। मैंने ये बात इसलिए सामने रखी है कि आप जब ये सारी गुफ्तगू जो हम करेंगे उससे पहले भी और बाद में भी ये फैसला कर सके क्या हमें जानने की जरूरत है, क्या हमें जानना चाहिए, इरादा कर सकें और अपने रब से तौफीक तलब कर सकें। मैं चाहती थी कि आज की तकरीब की कॉन्टिन्यूटी आपकी जिंदगी में रहे। जिस मकसद के लिए आपने ये तकरीब मुनाकिद की है वो मकसद महज एक मजलिस तक लिमिटेड न रह जाए। हम
माधरे इल्मी में बैठे आपस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो नेचुरली हमें जानना है अपने नबी के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, ज़ाक़ता अमल ईमान, उसने ईमान का मजा चख लिया, मन रसिया बिल्लाही रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, वबिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर, वबी मुहम्मदिन नबी और रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पे राजी हो गया। मैं ही सोचती हूँ दुनिया है, जिंदगी जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी जिसमें कभी दुख आते हैं कभी सुख आते हैं, जिंदगी जो इख्तिताम पज़ीर होने वाली है, जब शामे जिंदगी आएगी, जब अपने ही प्यारे मनोमट्टी के नीचे रख के चले आएंगे, अगली जिंदगी का आगाज हो जाएगा, उस वक्त फरिश्ते जो सवाल सबसे पहले करेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रसूल कौन है। तो आज की ये मजलिस साबित करती है कि हमें अपने रसूल के बारे में जानने की जरूरत है, और हम अगर किरदार साजी पर भी बात करेंगे तो अपने रसूल की तालीमात के हवाले से इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले आपके सामने चंद कैरेक्टर्स रखना चाहती हूँ ताकि ये बात समझने के काबिल हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोशिश की उसके नतीजे में कैसी शख्सियात वजूद में आई। और मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक गुलाम औरत की। अब जानते हैं गुलाम और आजाद में कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि गुलामी ऐसी गुलामी एक्सपीरियंस नहीं की, सिर्फ पढ़ा है, इसलिए गुलामी की तकलीफों का अंदाजा नहीं कर सकते। गुलाम अपनी सोच नहीं रखता, गुलाम का माल उसका अपना नहीं होता, गुलाम अपने डिसीजन नहीं कर सकता। एक गुलाम औरत लौंडी जो सईदा आयशा के पास आई, सईदा आयशा ने उस लौंडी को आजाद कर दिया, नाम फरीदा था, शादीशुदा थी, और ऐसा है कि जब कोई गुलाम कपल हो और उनमें से किसी एक को आजादी नसीब हो जाए तो दूसरे की मर्जी है उसके निगाह में रहना चाहता है या नहीं। बहिरा ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं गुलाम शौहर के साथ नहीं रहूंगी, और शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। जो ही आजादी मिली बहिरा ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। शौहर गलियों बाजारों में रोता फिरता था, ये मदीना है, और मदीना में एक अजीब माहौल है, हर कोई बरीरा की सिफारिश कर रहा है, सॉरी मुगीस की सिफारिश कर रहा है बरीरा से कि बरीरा एक बार उससे मुलाकात कर ले, और बरीरा किसी कीमत पर मुलाकात करना नहीं चाहता। फिर मुगीस को किसी ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल के पास जाओ, उनकी बात को तो वो नहीं टालेगी। मुगीस ने रसूलुल्लाह से सिफारिश के लिए कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलवाया, मैं ये मौका खास तौर पर आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूं कि हम अपनी जिंदगी का भी जायजा लें। कैसे एक लौंडी इतनी फरासत, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत और इस कदर उमदा अंदाज में इजहार करने के काबिल हो गई, यही तो किरदार साजी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए थे वो पैगाम सिर्फ आजाद लोगों के लिए नहीं है, गुलामों के लिए भी उसी तरह से इफेक्टिव है।
गुलाम भी अपनी जिंदगी की तामीर कर सकते हैं। बरीरा सरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुदीस से मिल लो। बरीरा का क्वेश्चन है, आपसे पूछती है ये आपका हुक्म है या सफारिश। हुक्म है तो मान लो कि मुझे पता है आप अल्लाह के रसूल हैं, सफारिश नहीं मानोगे। कोई मर्द भी रसूल के सामने इनकार की जरूरत नहीं रखता। और बनीरा को ये पता था कि मेरा राइट क्या है। एक गुलाम औरत अगर ये फर्क समझती है कि हुक्म क्या होता है और सफारिश क्या होती है, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को कैसे हुए आजादी सिखाई थी। और आज मैं आजाद औरत को देखती हूं और अपनी प्यारी बेटियों को और अपने बहुत ही अजीज बुजुर्गों को भी देखती हूं, तो मुझे हैरत होती है अपने ही हम की वो पहचान नहीं है। बरीरा ने जब ये बात की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया सफारिश है। बरीरा ने कहा मैं नहीं मानती, मैंने वो भी इससे नहीं मिलना। ये औरत का हक। औरत अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है, अपनी जात के बारे में जो डिसीजन करना चाहती है वो इसका हक रखती है। किरदार क्या होता है, रोल है ना। और किरदार जो है खुद से खुद नहीं बना करता, मेहनत करनी पड़ती है खुद को भी। और जो उस किरदार साजी के लिए मेहनत कर रहा है, उस्ताद, माँ बाप या सोसाइटी के दीगर अफराद, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सोसाइटी में किरदार साजी का काम कर रहे थे जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आपको याद होगा ये वाकया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आप सहाबा की मजलिस में थे, कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरी एक बेटी थी, मेरी बीवी जब हामिला हुई मैं तजारती सफर पर था, मेरी बेटी पैदा हुई मेरी बीवी ने मेरे आने पर उसे छुपा लिया। फिर यह हुआ कि जब मैं तजारती सफरों पर जाता मेरी बीवी अपनी बेटी को ले आती, लेकिन जब मैं तजारती सफर से वापस आता तो मेरी बीवी मेरी बेटी को हमसायों के घर पे छुपा देती। हाँ ये हम हैं। आज अगर हम ये आजादी एंजॉय करते हैं, आज अगर हमें माँ बाप की मोहब्बत नसीब है, आज अगर हमारे वालिदैन हमारी जिंदगी का हक हमें देते हैं, हमारी परवरिश के लिए एफर्ट करते हैं, हमें तालीम दिलवाते हैं, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उस सोसाइटी में तब्दीली पैदा की थी जहां एक बाप हमसायों की बच्ची के साथ खेलता है, लेकिन जो ही उसकी बीवी धोखा खाती है अब तो ये मोहब्बत करने लग गया, अब तो ये अटैच हो गया, अब इसे बताया जा सकता है कि ये आप ही की बेटी है। उस शख्स को जब पता चला कि ये मेरी बेटी है, उसने बताया अल्लाह के रसूल को कि मेरे सीने में सांप लौटने लगे और मैं इस इंतजार में रहा कि कब कौन सा मौका हो जब मैं अपनी इस बेटी को जिंदा दफन करा। कहने लगा कि एक दिन मुझे मौका मिल गया, मैंने अपनी बेटी को उंगली के साथ लगाया और उसे अपने साथ जंगल में ले गया। एक जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो मैंने गड़ा खोदना शुरू किया, मैं मट्टी और पत्थर हटा रहा था, वो भी अपने मुन्ने मुन्ने हाथों से मट्टी और पत्थर हटाती रही। फिर यूं हुआ कि गड़ा खोद लेने के बाद मैंने अपनी बेटी को उस गड़े के अंदर बिठा दिया, वो सुकून से बैठ गई, मैंने उस पर मट्टी डालनी शुरू की
आप इमेजिन करें उसके बालों में मट्टी गई होगी, आंखों में भी गई होगी। उसने आवाज के लिए मुंह खोला होगा, मुंह में भी मट्टी गई होगी। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, वो मुझे अब्बा अब्बा पुकारती रही और मैं उस पर मट्टी डालता रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी आवाज आनी बंद हो गई। रसूलुल्लाह सब वाकया सुन रहे थे और आपकी आंखें आंसू आ रहे थे। सहाबा किराम ने कहा, ऐसा तूने अल्लाह के रसूल को गमजदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा, इसे मत रोको, कहने दो। आपने उससे कहा, दोबारा सुनाओ। उसने दोबारा वो वाकया सुनाया और आप दोबारा आंसू बहाते रहे। हाँ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू थे। आपके दिल के अंदर किस कदर इस वाक्य ने असर किया और दीगर वाक्यात ने। आपने एक बार फरमाया, तुम्हारी दुनिया से दो ही चीजें तो मुझे महबूब है, औरत और खुशबू। अब नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, जिस शख्स के तीन बेटियां हों, वो उनकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तरबियत करे, फिर उनका निकाह कर दे, वो बेटियां उसकी आग से आड़ बन जाएंगी, यानी जहन्नम की आग से उसके लिए आड़ बन जाएंगी। एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, अगर किसी की दो बेटियां, आपने फरमाया दो के लिए भी ऐसा ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने यह नहीं पूछा कि एक का साथ क्या हो। रावी हदीस कहते हैं कि अगर कोई ये कहता किसी की एक बेटी हो, वो उसकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दिलवाए, उसका निकाह कर दे, तो उसके लिए भी ऐसा ही होता, आपका यही जवाब होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफर्ट्स को देखें जो आपने उस माशरे की तब्दीली के लिए की थी। एक तरफ माइंडसेट चेंज कर रहे थे, दूसरी तरफ पूरी सोसाइटी का नक्शा बदल रहा था। हाँ, इंसान भी बदले थे, मुआशरा भी बदला था। और एफर्ट्स किस माहौल में थी, जिस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको तरबियत देते थे, उन पर जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म था। किरदार साजी, क्या वाकई ऐसा अमल है? आज की इस नशिस्त में हम कैसे सुकून से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे थे, उस दौर में जो भी मुसलमान होता था, जो भी बेसिक रियलिटीज को मान जाता था, मैं मुसलमान होने की बात यहां पे इस हवाले से कर रही हूं। बर्कोविट्स एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है, शिकागो यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक रहा। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर जो चेंज आती है, तब्दीली आती है, उसके माइंडसेट की वजह से आती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार साजी की थी, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया था। वो जो बुत परस्त थे, उनके अंदर किस कदर बड़ी तब्दीली आई थी। आज हम तब्दीली की बात करते हैं, मुझे हमेशा ये फील होता है कि हम बहुत लाइटली उसको महसूस करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि इंसान का माइंड जब कंडीशन्ड हो जाता है, डीकंडीशनिंग इतना बड़ा अमल है, इस कदर मुश्किल अमल है, क्योंकि इंसान के जहन से पिछले तसव्वुरात नहीं निकलते। असल एक एजुकेशनिस्ट है जो कहता है कि इंसान की लर्निंग उसके प्री कॉन्सेप्ट के मुताबिक होती है। तो प्री कॉन्सेप्ट क्या थे? बेटी को इंसान नहीं समझते थे, वो सूद खाते थे, शराब पानी की तरह इस्तेमाल करते थे, जिनाकारी उनके यहां कैसे आम थी, आप इसका अंदाजा उन कसायद से लगा सकते हैं जो हरम के अंदर लटकाए जाते थे। सवाते मुअल्लिका जो सात कसीदे हरम में लटकाए गए,
उन्हीं में से एक अपनी चचा साहब बहन के बारे में कहता है कि मुझे जब उससे मोहब्बत हो गई, मैं उसका रवा तर्जमा ही आपके सामने रख दी। मुझे जब अपनी चचा साहब बहन से मोहब्बत हो गई, एक दिन वो अपनी सखियों सहेलियों के साथ जब नहाने के लिए गई नदी पे, होगा कहीं कोई ऐसा सिलसिला, क्योंकि उनके यहाँ तो पानी बहुत ही कम मिकदार में होता था, किसी कुएं के करीब किसी ऐसी जगह पे गई होगी। कहती जब उन्होंने अपने कपड़े झाड़ियों पे रख दिए तो मैंने सब लड़कियों के कपड़े उठा लिए। फिर वो उसके जिस्म की पूरी सिफात बयान करता। ऐसे अशआर को लोग अपने हाफिज़े में महफूज कर लेते। 80,000 शेर उन लोगों को याद होते थे, और मर्द सिर्फ मर्द ही नहीं, ख्वातीन भी उन अशआर को हिफ्ज किया करती थी। और खुद हंसा जो एक मारूफ सहाबिया है, मैं कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से जरूर ये आपके सामने रखना चाहती हूँ। हजरत हंसा 20 बरस तक अपने भाई के मर्सिये लिखती रही जब वो मुसलमान नहीं थी। 20 बरस इतने आंसू बहाए, इतने मर्सिये लिखे, लेकिन एक जंग में जब उनके 4 बेटे शहीद हुए तो उन बेटों की शहादत पर वो बिल्कुल पुरसुकून रही। कितनी बड़ी तब्दीली है, कैसे आती है ये तब्दीली, कहां से आ जाती है ये तब्दीली, इंसान कैसे बदल जाते हैं, आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली वही के तवस्सुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की जात से मोहब्बत सिखा रहे थे, अल्लाह ताला की जात की असमत दिलों के अंदर बिठा रहे थे। कोविड ईयर्स में आपने भी देखा होगा, लोग बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर डिप्रेशन में मुब्तला हुए। लोगों के दिलों में तकदीर पर ईमान कितना है कोविड में आपने भी महसूस किया होगा। लोगों का अल्लाह ताला की जात पर कितना यकीन है, और SOPs पर कितना यकीन है, वैक्सीनेशन पर कितना यकीन है। आप अगर दुनिया में ज्यादा पढ़े लिखे अफराद में, ज्यादा बाशऊर अफराद में देखें, जितना जिसके पास इल्म है उतना ही उसके अंदर खौफ है, मौत का खौफ। और मुझे कभी फील होता है जितना लोग कोरोना से डरते रहे, अगर इतना ही रब से डर जाते हैं तो ये मुआशरा बदल जाता, इस मुआशरे में करप्शन न रहती। लेकिन इस सोसाइटी में कोरोना का खौफ, मैं इसलिए एग्जाम्पल इसकी दी है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि ऐसा प्लीज इख्तियार किए जाए या वैक्सीनेशन करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। कोरोना का खौफ खुद बहुत दिलों के अंदर नहीं आया, खौफ दिलाया गया, एजुकेट किया गया। आप एक कॉल करते हैं, हर कॉल के ऊपर आपको मैसेज मिलता है। आप नॉर्मली देखें रेस्टोरेंट्स के बाहर भी और मुख्तलिफ इदारों के बाहर, और फिर टीवी के थ्रू सोशल मीडियम्स के जरिए से कोरोना के बारे में आगही देने की मुहिम जब से जारी है आज तक खत्म नहीं हुई, ये सिलसिला जारी है। इससे ये पता चलता है कि आज के लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए से पब्लिक को आगही दी जा सकती है। आगही से इंसान फिर डिसीजन करने के काबिल होता है, उसको थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, वो अपने बारे में सोच सकता है कि मुझे कैसे बचाव का रास्ता इख्तियार करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किरदार साजी की तो मक्का में, मक्का के फिजाओं में एक ही गूंज थी, अम्मा या तसायलू, किस चीज के बारे में वो आपस में सवाल करते हैं, अनिन्नबाइलाजी, एक बड़ी खबर के बारे में, अल्लाजी हुनफी ही मुख्तलिफोन, जिसके बारे में वो आपस में इख्तिलाफ करते हैं। कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे, सुम्मा कल्ला सयालमून,
बीज नहीं है, करीब वो जान लेंगे। तो सोचिए पूरे मक्का की फिजा ऐसी बन गई थी, हर कोई ये पूछता था कयामत कयामत कब आएगी, कयामत कैसे आएगी। आप सभी कई लोगों ने सवाल किए मक्का में, काफी एक दूसरे से सवाल करते थे, रसूलुल्लाह से भी सवाल करते। और फिर आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी, मतसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब सवाल ही में कर लिया, आपने पूछा मादत लगा। आप कयामत के बारे में पूछते हो, आपने उसकी तैयारी क्या की है? तो उसने जवाब दिया कि मैंने और तो ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। इस हदीस के तौर से जो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों का माइंडसेट चेंज किया था तो वही के इल्म के जरिए से सब लोगों की जुबानों पर एक ही बात आ जाती थी। हालांकि उस वक्त मीडिया नहीं था, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न सोशल मीडिया, बात पहुंचानी बड़ी डिफिकल्ट थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से लोगों को तालीम दी और आपसे जो लोग सुनने वाले थे उन्होंने कैसे दूसरे लोगों तक उसे पहुंचाया कि वो इस जमीन के फना होने की बातें करने लगे। बात तो आज भी है, एंड ऑफ टाइम के बारे में आपने कई प्रोग्राम्स देखे होंगे और एंड ऑफ टाइम के बारे में मुख्तलिफ रिसर्चेस भी आपके सामने आती रहती होंगी। लेकिन एंड ऑफ टाइम के बारे में पूरी सोसाइटी में, पूरी ग्लोब पर खलबली नहीं है, हाँ अपनी जिंदगी के बारे में यह फिक्र जरूर लाहक है कि कहीं इस जिंदगी पर मौत के साये न लहराने लगे। इस वजह से अवेयरनेस कैंपेन के जरिए से लोगों के अंदर एक फियर आया, जिंदगी में तब्दीली के लिए गॉड फियरिंग होना जरूरी है, अल्लाह ताला का खौफ जरूरी है। अल्लाह ताला के खौफ की बजाय जब किसी और चीज का खौफ लाहक हो जाए तो इंसान अंदर से करप्ट हो जाता है, उसकी सोच प्योर नहीं रहती, उसकी जिंदगी में अच्छी चेंज नहीं आती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्योरीफाई कर रहे थे मर्दों को भी औरतों को भी, प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट एंड प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन्हें तवज्जो दिलाई कि जमीन और आसमान का मालिक कौन है और हमें कैसे उसके आगे जवाबदेही करनी है। रियली अगर आप ये देखें कि आपकी किरदार साजी का बुनियादी पॉइंट क्या था, कहां से आप किरदार साजी का आगाज करते थे, एक अल्लाह की दावत देते थे। आपके साहबी जिन्होंने आपसे लर्न किया वो भी किरदार साजी का आगाज अल्लाह ताला की जात की मार्फत से, उसके तारुफ से करते थे। बात कल भी वही थी, बात आज भी वही है। आपने सबसे बड़ा काम जो किया, हर इंसान को उसके पैदा होने का मकसद समझा दिया। आप कौन हो, कहां से आए हो, कौन है आपका पैदा करने वाला, आपने कहां जाना है, आपने क्या जवाब देना है। इसी वजह से उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, ये यकीन था। इकबाल कहता है यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। तो ये यकीन जो है ना, पुख्ता यकीन, यही किरदार में तब्दीली लाने का बायस बनता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आज की सोसाइटी का कंपैरिजन करके देखें, इस यकीन में कमी है, इस यकीन में दराड़े आती हैं। आज मुसलमानों के हवाले से जितनी कोशिशें की जा रही है यकीन को मुतजलजल करने के लिए, अब जहां कहीं मुसलमान को सिरा मिल जाता है ना, उसे जिस बात पर यकीन आ जाता है वहीं से उसका वापसी का सफर अल्लाह ताला की तरफ सफर शुरू हो जाता है। अगर आप देखिए कि जब लोग ये समझते हैं कि शिफा किसी डॉक्टर के हाथ में है,
जब लोग ये समझते हैं कि शिफा फुला मेडिसिन में है तो अल्लाह ताला की जात पर यकीन कहां गया। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो कहते हैं जब मैं बीमार होता हूं वो मुझे शिफा देता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इलाज नहीं करवाएंगे, आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप दवा के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन पीछे बिलीव क्या हो, अल्लाह ताला की जात पर यकीन कि शिफा उसके कंट्रोल में है, उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। जिंदगी और मौत का वही मालिक है। आप देखिए नमरूद के दरबार में क्या झगड़ा था, कितनी अजीब बात है, हर दौर में बड़ा झगड़ा यही रहा है, चाहे वो मक्का वालों का दौर हो, चाहे वो इससे पहले के अदवान हो। इब्राहिम अलैहि सलाम से उसने पूछा था तेरा रब कौन है, उन्होंने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है मारता भी है। उन्होंने कहा, नमरूद ने कहा ये काम तो मैं भी कर लेता हूं। दो कैदी बुलवाए, एक का सर कलम कर दिया, दूसरे को आजाद करके कहने लगा देखो जिंदगी और मौत तो मेरे कब्जे में, मेरे इख्तियार में। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल कर दिखा दो। फबुहितल लजी कफर, हैरान और शशर रह गया वो जिसने इनकार किया। किरदार साजी में इसी यकीन की जरूरत होती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पुख्ता यकीन दिलों के अंदर पैदा किया। इतना यकीन तो था कि हजरत सुमैया जो गुलाम औरत थी, हजरत यासिर जो उनके शौहर थे, उनकी मुश्किल कसी जाती थी और उनके मालिक ने कैसे नेजा मारकर उन्हें हलाक कर दिया था। ये मामला किसी एक जगह पर नहीं था, घर घर में यही सूरत हाल थी। मैं एक ऐसी लड़की की बात आपके सामने रखना चाहती हूं। आपकी चचाजात बहन दो बेटियों के सुसर की बेटी थी, नेक्स्ट डोर नेबर थी। बाप का नाम अबू लहब है, रसूलुल्लाह का सख्त दुश्मन है। उसके घर में भी किरदार साजी का यह अमल जारी था क्योंकि उसकी बेटी दुर्रा ईमान ले आई थी। मक्का की फिजा भी कैसी थी, ऐसे मौके पर वो ईमान लेके आई जबकि बाकी लोग मदीना जा रहे थे। दुर्रा अपनी मां से कहती है उम्मे जमील से, मां मुझे जाने दे। और उम्मे जमील कहती है बेटी तेरा बाप बहुत सख्त है, बाप के मुकाबले में ये एफर्ट मत करो। बेटी जंजीरों में बंधी हुई थी, बाजू भी जख्मी थे, पांव में भी बेड़ियां थी। बेटी ने जब बहुत ज्यादा अपनी मां को लॉजिक्स दी तो मां ने उसकी जंजीरें ढीली कर दी। अब दुर्रा सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बार, मां बाप, अपना फ्यूचर दांव पे लगा के मदीना की तरफ हिजरत करके चली गई। आपको याद होगा रसूलुल्लाह के दूसरी तरफ एक और नेबर था, उकबा बिन अबी मुईद, जिसने आपके गले में कपड़ा डाल के खींचा था और आपकी गर्दन पे जख्म आए थे। उकबा बिन अबी मुईद की बेटी उम्मे कुलसुम भी ईमान ले आई थी। कुलसुम बिनते उकबा बिन अबी मुईद, अब कुलसुम सुलह हुदैबिया के मौके पर मदीना से, यानी जब सुलह हो गई उसके बाद मदीना चली गई। और सुलह में ये शिक थी कि जो कोई मक्का से जाएगा मदीना उसको वापस कर दिया जाएगा। कुलसुम के भाई लेने के लिए आ गए। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का हवाला देते हुए कहा कि सुलह में जिनकी वापसी मुराद थी वहां पर जो वर्ड लिखा हुआ वो रजुल है, मर्द औरत नहीं लिखा, इसलिए कुलसुम को वापस नहीं किया जाएगा। आप औरतों के अंदर किस कदर खुद एतमादी पैदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से कितनी बड़ी तब्दीली आ रही थी। वो तब्दीली अगरचे उस पुख्ता यकीन की वजह से थी, अगरचे इबादात भी उसमें बहुत ज्यादा मुआवनत कर रही थी, अगरचे उनका अखलाक भी बदल रहा था, लेकिन तब्दीली उनके
मैं जरूर बात करना चाहूंगी उसी तब्दीली के हवाले से एक ऐसी खातून की जिसका नाम आमदिया था। रसूलुल्लाह की मजलिस में आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मैंने ज़िना किया है, मुझे नजम कर दे। क्या कोई औरत ये हिम्मत रखती है कि अपने जुर्मे ज़िना का एतराफ कर सके? ये जुर्म कैसे आई थी? गिल्ट था तो उसको दूर कैसे किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेर दिया, उसने फिर सवाल किया, आपने फिर रुख फेर दिया। आप चाहते थे कि वो यहां से चली जाए, उसने फिर सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया, क्या मामला हुआ? कहने लगी, मैंने ज़िना किया, मैं हमल से हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए फिर आना। बच्चा पैदा हुआ तो अपने बच्चे को उठाकर आ गई। आप इमेजिन कर सकते हैं, 9 महीने पेट में बच्चा रखने वाली औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की कितनी पाबंद हो गई। अब वो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए कितनी कोशा है कि मैं अल्लाह के यहां मुजरिम ना बनूं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा है, बच्चा है, आप मुझे रजम कर दीजिए, आप बच्चा संभाल लें। आपने फरमाया, जाओ बच्चे को दूध पिलाओ, फिर मेरे पास आना। 150 और गुजर गया। इस्तेकामत देखिए, अपनी बात पर वो औरत कैसे कायम है। 150 के बाद फिर आई, बच्चे के हाथ में रोटी पकड़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि अब ये बच्चा खा भी सकता है, अब आप मुझे हजम कर दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामदिया को रजम करने के लिए उसे गड़े में खड़ा करने का हुक्म दिया। पहला पत्थर लगा, उसके माथे से खून का फवारा उगला, इर्द-गिर्द सहाबे किराम के कपड़ों पर वो खून गिरा। तो किसी ने गामदिया के बारे में बुरा फिक्रा कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कुछ मत कहो, इसने ऐसी तौबा की है जो अगर मदीना वालों में बांट दी जाए तो सब माफ कर दिए जाए। कभी हम सोचते हैं, तौबा करना कोई सादा सी बात है? एक गुनाहगार का तौबा करना, पाक होना कोई सादा सा मामला है? वो क्यों पाकीज़गी से मोहब्बत रखते थे? क्यों अल्लाह ताला के आप अपना मकाम बनाना चाहते थे? ये वो किरदार साजी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। अकाउंटेबिलिटी का एहसास, अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को हाजिर करके देखते थे वो। अब कैसे ना तस्किरा करें उन खवातीन का जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी का सफर गुजारा। सैयदा आयशा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, एक एक बात पे कॉन्शियस हुआ करती थी। कैसे उन्होंने इल्म सीखा, जो बात आप कहते थे उसे याद करती थी। खातीन में से सबसे बड़ी गाविया है सैयदा आयशा, से इल्म का बहुत बड़ा खजाना उम्मत को मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए सैयदा आयशा ने कितनी जुनून सीखी, आप उनकी तरबियत कैसे करते थे। मैं दो वाकयात इस हवाले से आपके सामने रखना चाहती हूं। इंसानों के अंदर अगर अच्छी खसूसियात होती है तो इंसान ही होते हैं। नबी के घराने की खवातीन के अंदर भी उसी तरह जेलसी आ सकती है, उनके एहसासात भी मजबूर हो सकते हैं। सैयदा आयशा के घर सैयदा सफिया ने खाना बनाकर भेजा। उस दिन जब रसूलुल्लाह उनके पास थे, सैयदा सफिया डोंगरी सरदार की बेटी थी, बहुत उम्दा खाना बनाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि सैयदा सफिया ने खाना भेजा, हजरत आयशा उठ के गई, गुलाम से खाना पकड़ के लाए। सैयदा आयशा ने गुलाम के हाथ से खाना पकड़ते हुए जोर से झटका दिया, प्लेट गिरी, प्लेट टूटी, खाना बिखर गया। तबीयत करने वाले का मिजाज कैसा होना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे कोई कमेंट नहीं दिया।
जैसे भी नहीं दिया कि उन्होंने माइंड किया है। हमारे यहाँ जब कभी कोई बुरा काम हो जाता है तो हर तरफ से बुछार हो जाती है, कमेंट्स की जजमेंट्स पास होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि आखिर इस तरह से क्यों पकड़ा था, या इतना महसूस करने की क्या जरूरत है, ज्यादा जज्बाती ना हुआ करें वगैरह वगैरह, नऊज बिल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर स्माइल थी, आपने देखा कि आयशा मुस्लिम है, आप उनसे बातें करते रहे, तस्करा भी नहीं हुआ कि कोई प्लेट टूटी, खाना बिखरा हुआ है। हमारे यहां तो कहा जाता है खाने की बेहरमती हो रही है, खाने से इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा के जज्बात का एहसास था, जब हज़रत आयशा बिल्कुल कूल हो गई तो आपने उन्हें सिर्फ इतनी बात कही, आयशा अब अपनी बहन को प्लेट वापस कर दे। That's it. उनके यहाँ कौन सा प्लेट्स के डिफरेंट डिजाइन होते थे, मट्टी की प्लेटें जैसी ही होती है, हज़रत आयशा ने प्लेट वापस कर दी होगी और बस बात खत्म हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि सैयदा सौदा हज़रत आयशा के घर पे आई, हज़रत आयशा ने उन्हें हरीरा ऑफर किया, गंदम से बनाई जाने वाली डिश है। उन्होंने सैयदा सौदा से कहा कि आप खा लीजिए। सैयदा सौदा ने कहा मेरा मूड नहीं है। उन्होंने कहा खाना तो पड़ेगा। सैयदा सौदा ने कहा मैं नहीं खाऊंगी। हज़रत आयशा कहती रही, वो इनकार करती रही। सैयदा सौदा ने देखा अचानक कि आयशा के तो तेवर ही बदले हुए। सैयदा आयशा ने कहा अगर आप नहीं खाएंगे मैं आपके मुंह पे लेप कर दूंगी। अब जरा उम्रों का तफावत देखिए, माँ की उम्र के बराबर है सैयदा सौदा और सैयदा आयशा उनकी बेटी के बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कमेंट नहीं देते, मौजूद हैं, लेकिन आपने किस तरह से डील किया कि उनका आपस का मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेस देते थे, इज्जत देते थे, वैल्यू करते थे। उस मौके पर सैयदा सौदा भागी, सैयदा आयशा कहती रही वो नहीं मानी तो उन्होंने हरीरा पकड़ के उनके चेहरे पे लेप कर दिया। कितनी बातें हैं जो ऐसे मौके पे की जा सकती है कि उम्र में बड़ी है, उम्र का ही ख्याल किया होगा। मैं ये बात इसलिए कर रही हूं, देखे कोई अपना रोल पहचानता हो तो वो रोल अदा कर सकता है। सैयदा आयशा जानती थी कि हमारा रोल एक जैसा है। अगरचे सैयदा सौदा उम्र में बड़ी थी लेकिन मकाम रुतबे में एक जैसी थी, यानी हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुतहरा थी और हजरत सौदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे हिस्से के दौरान मुस्कुराते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से कोई बात ऐसी नहीं की जिससे उनकी दिल आजारी। आपके पास जितनी ख्वातीन थी, खा वो गुलाम औरतें थी या आजाद औरतें थी, कैसे उनके अंदर जुर्रत इजहार आई। एक खातून आपसे आके सवाल करती कि अल्लाह के रसूल आपसे सवाल करना चाहती हूँ और अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता, मैं भी आपसे सवाल करना चाहती हूँ। तो उन्होंने सवाल ये किया था कि मर्द और औरत के पानी के बारे में सवाल किया था। पास ही एक और ज़ौजा मुतहरा बैठी हुई थी, वो कहती थी कि मुझे इस बात पे शर्म आई कि एक मर्द से ऐसा सवाल क्यों किया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी आर्टिफिशियल हया से रोकते थे और औरतों को कॉन्फिडेंस देते थे कि वो जो सवाल करना चाहें, जो बात आपके सामने करना चाहें, उन्हें मौका दिया जाए। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार अपनी बीवी से कहने लगे कि आप लोग जब से मदीना आई हो आप लोगों को तो जुबान लग गई है, क्योंकि उस औरत का सोसाइटी में वो मकाम नहीं था। उनकी बीवी ने कहा कि रुक जाइए, खत्ताब के बेटे
जाके पहले अपनी बेटी का घर देखो, वो सारा सारा दिन रसूलुल्लाह से रूठी रहती है। सैयद उमर गुस्से में भरे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे हजरत हफ्सा से, हफ्सा क्या तुम अल्लाह के रसूल से रूठती हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा आपस का मामला है। सोचे कितनी तब्दीली आई थी उस सोसाइटी में, जहन बदल रहा था, सोचने की गांव बदल रही थी, गुफ्तगू के तौर अतवार बदल रहे थे, लोगों के अखलाकों किरदार बदल रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वैल्यू किया था औरत को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर अपने खैमे में गए और हज़रत उम्मे सलमा से कहा, आज जितना मेरा दिल तकलीफ में, इससे पहले कभी तकलीफ में नहीं आया कि मैंने अपने सहाबा से ही कहा कि आप लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहा कि आप लोग महसूस कर लिए गए जानवर कुर्बान कर दो, सर मंडवा लो और अहराम खोल दो, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। उस पर सैयदा उम्मे सलमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल इस वक्त वो सदमे में है, आप जाइए खुद जानवर कुर्बान कर दें, सर मंडवा लें और आप अहराम खोल दें, आपके पीछे पीछे सभी कर लेंगे। आज अगर आप किसी ओपिनियन की बात करते हैं तो औरत को ओपिनियन देने का हक है। वैसा दौर नहीं था जहां औरत की ओपिनियन मानी जाती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे औरत को ट्रेन नहीं किया था कि उसे कहें सब्र करो, सहना सीखो, दबके रहो। आपने औरत को कॉन्फिडेंस दिया था, उसको ड्यू राइट दिया था, वो अपनी बात कह सकती थी, वो अपना राइट पहचानती थी। और आप किस तरह से सैयदा उम्मे सलमा की ओपिनियन को मान के, राय को मान के सब लोगों के सामने गए, आपने जानवर कुर्बान किया, आपने सर मंडवाया, अहराम खोला, पीछे पीछे सब सहाबा ने कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस मौके पर अगर एक औरत की राय को ना माना जाता तो कितना बड़ा फसाद पैदा हो सकता। चेंज कैसे आई उस माहौल में, उस मर्द ने कैसे एक्सेप्ट किया जो औरत को पांव की जूती समझता था। माहौल ऐसा था जहां औरत को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवर जितनी वैल्यू में नहीं थी अरब सोसाइटी में औरत की। तो औरत के कैरेक्टर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज्यादा वैल्यू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अरब औरतों की तारीफ करते हैं कि वो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करने वाली, कहीं उनके बारे में दूसरों को तलकीन करते हैं। जैसे एक बार सराई सफर पे, आपको पता है रात का सफर हो, और हदी खां जिस वक्त हदी गा रहे हो, यानी अशार ऐसे सहराओं में आवाज पहुंचती है तो एक और ही समा पैदा हो जाता है। हदी खां ने जब अशार पढ़ने शुरू किए तो उल्टियां भागने लग गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हदी खान को मुखातिब किया, या अंजशा रुवई दकबिल कबारी, अंजशा एहतियात से, आप गीने नाजुक है, ग्लास हैंडल विद केयर, ये तो कांच की तरह नाजुक औरतें हैं, आप उल्टियां भगाओगे तो इनका क्या बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज्यादा मान रखते थे, खवातीन की बात का कितना एहतराम करते थे। उम्मे हानी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे थे, ये फतह मक्का का मामला है। उम्मे हानी कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरा मां जाया कहता है जिसको तूने पनाह दी है मैं उसको कत्ल कर दूंगा। पनाह दी थी उम्मे हानी ने अपने हस्बैंड को जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और हजरत अली उनसे ये कह रहे थे कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को अब नहीं छोड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे उम्मे हानी ने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। यूं तब्दीली आई थी कि आप औरत को उसका ड्यू राइट दिलवा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे औरत के असल रोल को, औरत की असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाया था। औरत को अल्लाह ताला ने जैसा बनाया
उसका जिस्म गवाही देता है कि ये जिस्म सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ, इस जिस्म से अल्लाह ताला की हिकमत से औरत की औलाद भी पैदा होगी और उसे सबसे बड़ा दर्जा मां का दर्जा दिया जाएगा। उन माओं के तवस्सुत से कैसी नस्लें तैयार हुई, उन औरतों के तवस्सुत से कैसे मुसलमान मर्दों की भी तरबियत हुई जिनकी तरबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अगर आप ये जानना चाहें कि दादसाजी कैसे होती है, चार बुनियादी नुकात है। एक तो ये कि माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के माइंडसेट को चेंज किया था, बिलीफ में तब्दीली लेकर आए थे। दूसरी चीज जो है उस अकीदे को जमाने के लिए इबादत, जो सिस्टम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे आपने कैरेक्टर बिल्डिंग की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की मोहब्बत दिलाई और लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ऐसे हाजिर होते थे जैसे हशर के मैदान में सामने हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी तरबियत की, लोगों की मुआशरती तरबियत की, लोगों की जिंसी तरबियत की। तो आप ये देखिए कि अगर अकीदा मजबूत हो, इबादत दुरुस्त हो, अखलाक दुरुस्त कर दिया जाए और मामलात सिखा दिए जाए तो हर इंसान अपना रोल अदा करने के काबिल हो जाता है। जाहिर है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तब्दीली लेके आए थे वो एक दिन में नहीं आई थी। तब्दीली अचानक नहीं आती, सहज पके सो मीठा हो। आप उन्हें दर्जा ब दर्जा कैसे पाक जिंदगी के तरीके से खा रहे थे, जिस्मानी पाकिजगी, रूहानी पाकिजगी, फिक्री पाकिजगी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एफर्ट्स किए उसकी वजह से एक पाक बास मुआशरा वजूद में आया। आज भी लोगों को ऐसे ही मुआशरे की जरूरत है और आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बाशऊर बनाया, अल्लाह ताला ने आपको इल्म की खास सतह तक पहुंचाया। अपने नबी की जिंदगी को पढ़िए, उनकी तालीमात को पढ़िए। अपने नबी ने, हमारे नबी ने जो वही का इल्म किया उस वही के इल्म को सीखिए, इंशाअल्लाह ताला आप अपना रोल अदा करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब करें, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तरबियत की उन तरबियत की स्टोरीज को पढ़ने की भी तौफीक दे, ताकि उसकी वजह से हम खुद को बदलने की जस्तजू कर सके और उसके लिए अल्लाह से तौफीक तलब कर सके। मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी के इंतजामियों के। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे कि आप लोगों ने ऐसी मजलिस का इनेकाद किया और मैं तमाम मुअज्जज़ कराम और बहुत अजीज और प्यारी बेटियों के भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात को तवज्जो से सुना। यकीनन ये मेरी बातें नहीं, हमारे रसूल की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ आपकी जिंदगी को अपने लिए कबूल कर, अल्लाह ताला आपको हिदायत के आसमान के चमकते सितारे बनाए और अल्लाह ताला सबसे राजी।